हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड इंडिया परसेंट ओनली 100 परसेंट ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और आज की वीडियो में हम आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स बताएंगे मसल ब्लेज क्रिए एम्प क्रिएटीन मोनोहाइड्रेट के पाउडर की तो हमने इसका डिटेल टेस्ट एक साल पहले कराया था क्योंकि इस प्रोडक्ट को एक साल कंप्लीट हो गए हैं इसलिए वापस से हमने इसकी टेस्ट कराई है ये देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट स्टिल एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है या नहीं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस के बारे में तो हमने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया फ़्लिपकार्ट से हम इसे ऑर्डर कर रहे थे तो हमने सुपर कॉम नेट सेलर को चुना है सुपरकॉम डॉट नेट करके एक थर्ड पार्टी सेलर है हमने उसे चूज़ किया है हमने मसल ब्लेस सेलर से इसे नहीं मंगवाया है सुपर कॉम डॉट नेट एक थर्ड पार्टी सेलर से इसे मंगवाया है क्योंकि हमने इसे थर्ड पार्टी सेलर से ही मंगवाया है इसलिए हमने एक ही अनोनिमस आईडी का इस्तेमाल करके इसके 100 ग्राम्स के दो बॉक्सेस ऑर्डर कर लिए अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं एक सेम सील बैच नंबर जो है चला जाता है लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए और एक यहाँ पे हमारे पास रहता है ठीक है तो ये हो गए हमारी ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस के बारे में बात अब हम अपने लैब टेस्ट फाइंडिंग्स देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि इनके पर सर्विंग में आपको थ्री ग्राम्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिलता है जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करता है कंपनी के क्लेम को बात करें लेवल टू के टेस्टिंग की जिसमें हमने मेला माइन पैकिंग का स्टेटस देखा है तो इसमें मेलामाइन बिलो एल पाया गया है लेवल थ्री टेस्टिंग में जब हमने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई तो इसमें सारे हैवी मेटल्स बिलो एल पाए गए हैं लेवल फोर टेस्टिंग में एफला टॉक्सिन्स भी इसमें बिलो एल पाए गए हैं और लेवल फाइव टेस्टिंग में जब हमने सारे पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई 145 से भी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की हमने टेस्टिंग कराई है तो इसमें सारे पेस्टिसाइड्स या फिर नॉट डिटेक्टेड पाए गए हैं या फिर बिलो ए लो क्यों पाए गए हैं तो इस प्रोडक्ट ने वापस से क्योंकि हमारी डिटेल टेस्टिंग को पास कर लिया है इसलिए ये एक स्टिल ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं इसकी सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट के बारे में तो सर्विंग साइज एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं अपने पुराने वीडियो से ले ले रहा हूँ क्योंकि ये अनफ्लेवर्ड वर्जन ही हम इसका वापस से टेस्ट करा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है तो आ, मसल ब्लेस के क्री एम्प की जो सर्विंग साइज़ है वो हमेशा थोड़ी सी इनएक्यूरेट पाई गई है हमने मल्टीपल टाइम इसे मेजर किया है और वो 3.1 ग्राम जो क्लेम करते हैं उतना नहीं पाया गया है बल्कि 4 ग्राम की पाई गई है तो सर्विंग साइज का हम इनएक्यूरेट बोलेंगे मिक्सबिलिटी की बात करें तो मिक्सबिलिटी में ये एकदम नॉर्मल माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पाउडर की तरह ही है ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट माइक्रोनाइज तो मिक्सबिलिटी इसकी एकदम वैसी है टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट इसका नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की तरह है कोई भी स्पाइसीनेस या बर्निंग सेंसेशन जैसा आपको फील नहीं होता ऐसी प्रॉब्लम्स पहले थी जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था पर अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है माइट भी पहले ये सब प्रॉब्लम्स आती होंगी बट कंपनी ने अब जो है वो प्रॉब्लम्स को सुधार दिया होगा तो वैसे कोई टेस्ट में इशू अब तो नहीं है बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में तो इसकी पैकेजिंग बॉक्स में आती है वाइड ओपनिंग है तो पैकेजिंग इसकी अच्छे साइड पर है अनलाइक सील सीलिंग पाउच की तरह जिसमें क्रिएटीन में मॉइस्चर जाने की वजह से क्रीटिन के, के लम्स बनने के चांसेस होते हैं बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में तो इसका 100 ग्राम्स का बॉक्स आपको फाइव हंड्रेड का ऑन एन एवरेज फाइव हंड्रेड का जाएगा प्राइसेस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बट फाइव हंड्रेड रुपीज़ का इसका हंड्रेड ग्राम्स का बॉक्स रहेगा जिसमें आपको टोटल थर्टी थ्री सर्विंग्स मिलते हैं तो वैसे ये था हमारे आज का जो है वीडियो का डिटेल एनालिसिस और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा सर्टिफाई किए हुए सप्लीमेंट को हमारी वेबसाइट शॉप डॉट ट्रस्टीफाइड डॉट इन या फिर हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टीफाइड से ही लें और इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे हमने रेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है तो आप कोई भी अगर हमारा ट्रस्टीफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे रेट भी जरूर करें ताकि दूसरे कस्टमर्स को भी हेल्प मिल पाए गाइस एट द एंड वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ इफ द सप्लीमेंट इज नॉट ट्रस्टिफाइड देन इज नॉट सर्टिफाइड चूज़ सेफ बी सेफ थैंक यू